Hello students, now I am explaining you the practice of book exercise, okay? आपको यही आएगी in return. Now look here, you can see tick the correct answer. Anita always wanted to go to school, but her dad did not allow. कौन उसको allow नहीं करना चाहते थे? उनके parents, okay? Anita could not resist herself to study in. Anita खुद को कहाँ रोकने, resist का मतलब रोक नहीं पा रही थी पढ़ने के लिए. कहाँ पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते? School. तो that answer is school. Anita's parent did not have to pay anything for her education up to class dash. वैसे तो यहाँ हमारे क्लास में क्लास फाइव तक नहीं पे करना था, ओके? द आंसर इज क्लास फाइव. यहाँ पे रॉन्ग है, सो डोंट माइंड इट. आपको क्लास फाइव लगाना है. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू डैश फ्लावर्स. हनी बीज किस फ्लावर पे अट्रैक्ट करते हैं? लिच्ची, जैसे आपने लेक्चर में देखा ना. हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. ओके, नाउ दिस इज ट्रू ऑफ फॉल्स. लुक हियर, आपको यहाँ टी एफ लिखा है, वैसे टी एफ नहीं लिखा. यू हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग टी आर यू ई, ट्रू एफ ए एल एस ई फॉल्स. ओके, आपको टी एफ या राइट रॉन्ग नहीं करना है. यू आर नाउ ग्रोन अप, आप बड़े हो चुके हो, सब पूरा स्पेलिंग लिखना है. अनिताज पेरेंट डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. क्या अनिता के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा था आइडिया? यस, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, सो दैट इज ट्रू. फ्रॉम क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स अनिताज पेरेंट प्रेज हर टू स्टडी इन स्कूल. मतलब सिक्स स्टैंडर्ड के बाद प्रेज का मतलब क्या होता है? बढ़ावा दिया उनके पेरेंट्स ने, अनिता के पेरेंट्स ने स्कूल जाने के लिए? नो, वो उन्होंने मना कर रहे थे ना अनिता को, सो दिस आंसर इज फॉल्स. द लिची ट्रीज बेयर फ्लावर्स इन जून. नो, दे बेयर फ्लावर्स इन फेब्रुअरी. तो ये भी आंसर रॉन्ग है, फॉल्स. द मेन वर्क ऑफ क्वीन बी इन अ हाइव इज टू ले एग्स. क्वीन बी का काम क्या है? एग्स ही लेकर आना. तो द आंसर इज ट्रू. द मेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. क्या मेल बी कलेक्ट करते हैं नेक्टर? नो, वर्कर बी करते हैं. वर्कर बी का दो काम है, एक तो वो फ्लावर्स में से नेक्टर भी कलेक्ट करते हैं और बी हाइव्स भी बनाते हैं. सो मेल बी कुछ काम नहीं करते हैं. फिर देखो क्वेश्चन आंसर से है. इज इट राइट टू एंकरेज द गर्ल्स फॉर एजुकेशन? वाई, मतलब गर्ल्स को पढ़ने के लिए एंकरेज करना सही है? यस, गर्ल्स को एंकरेज करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? बिकॉज अगर एक लड़की पढ़ी है तो वो एक अपनी फैमिली को पढ़ाती है, मतलब अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकती है और हैंडल कर सकती है. एंड ये बॉय और गर्ल के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए. हमारे घर में लड़कियाँ भी सेम है और लड़के भी, और पढ़ने से वो अपने खुद के खर्चे या कुछ ना कुछ कमा के अपना खुद का गुजारा कर, सो दैट इज़ सेल्फ डिपेंडेंट. इट ऑल्सो मेक्स अ गर्ल सेल्फ, पढ़ने से वो अपना काम खुद संभाल सकती है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट. वाई शुड वी हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल? स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म होना चाहिए? एक तो चीज़ है कि स्कूल की एक पहचान होती है यूनिफॉर्म, ओके, और सेकेंड इट इज़ अ स्कूल आइडेंटिटी, और दूसरी बात क्या होती है? सभी बच्चों के बीच इक्वालिटी होती है. कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब भी होता है, ओके, तो सबको मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनेगा तो कोई कंपेयरिंग नहीं होगी, सब एक जैसे दिखेंगे, तो इसलिए बच्चों का डाइवर्शन भी नहीं होगा. कोई पैसे वाला तो उसके पास बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं, बट कोई गरीब है तो उसके पास बहुत सारे कपड़े नहीं होते, तो उसको क्या होता है कि देखो इसलिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो ऐसे उसके दिमाग में आता है. तो वो इक्वालिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी. हाउ डू अनिता मैनेज टू स्टडी फर्दर आफ्टर क्लास फाइव? क्लास फाइव के बाद उसने कैसे मैनेज किया पढ़ना? शी स्टार्टेड टीचिंग यंग चिल्ड्रंस ऑफ अ स्कूल विलेज. बाय द ट्यूशन फीस शी मैनेज टू पे हर फीस एंड स्टार्टेड कंटिन्यू. ओके, मतलब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ट्यूशन्स लेना, और ट्यूशन की फीस है उससे उसने अपनी फीस पे कर दी. वॉट डिड अनिता लर्न ड्यूरिंग हर बी कीपिंग कोर्स? अनिता ने क्या सीखा बी कीपिंग कोर्स के साथ साथ? उसने मोटरसाइकिल राइड करना सीखा, क्योंकि आपने तो को देखा अभी तो बहुत सारी गर्ल्स मोटर बाइक चलाती रहती है, बट उस ज़माने में तो लड़की को पढ़ने भी नहीं देते थे, तो उस टाइम पे बाइक सीखना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो काम अनिता ने किया था. हाउ डिड अनिताज पेरेंट हेल्प हर इन बी कीपिंग? अनिता के पेरेंट्स ने कैसे उनको हेल्प किया? उसके पापा क्या बनाते थे? उनकी मम्मी मतलब किचन का काम करती थी, तो उस किचन के साथ साथ उसने
वो मत बीज को जो खाना बनाता है सिरप बनाना पड़ता है, तो उसकी मम्मी वो सिरप बना लेती थी और उसके पापा क्या करते थे, वो जो हनी बीज होती है उनका जो बी हाई होता है बॉक्स होता है उसको साफ़ करना पड़ता था, उनका देख उसमें से हनी कलेक्ट करना पड़ता था, वो सब काम उसके पापा हम संभाल लेते थे। तो इस तरह से उनके पापा ने भी अनिता की हेल्प करना हेल्प की और काम को मैनेज किया। फिर आप देख सकते हैं सी हियर अ मैप, इंडिया मैप है, स्टेट मैप है, ओके, यू हैव टू लोकेट द स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार कहाँ है, यहाँ पे है, ओके, आपको वो पेंसिल से बॉर्डर करनी है और अंदर बिहार लिखना है। नाउ लुक हियर, हनी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ डैश, किसका सोर्स है हनी, कार्बोहाइड्रेट्स। हाउ मेनी सीड्स डज अ लीची फ्रूट कंटेन, लीची के अंदर कितने फ्रूट्स होते हैं, ओनली वन। वाई आर हनी बीज अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर, हनी बीज क्यों लीची फ्लावर से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स में से नेक्टर का जूस मिलता है, तो सक नेक्टर, सक का मतलब उसमें से जूस चूसना, दैट इज कॉल्ड सक नेक्टर फ्रॉम लीची फ्लावर्स, ओके। सो दिस इज योर PDF ऑफ द वर्कबुक, आपको लिसन यही आपको PDF आएगी, ओके, आई विल सेंड दिस इन रिटर्न फॉर्म, आपको टाइप करके भेजूंगी, ये आपको दिखाने के लिए, ओके।